बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, सो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में अगर हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें तो लिखा है, इफ वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस और इज इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग एन एग्जिस्टिंग वन, एन इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेट टू द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, कोई भी एक व्यक्ति अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा है, सो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन उसके पास उसे लेना होगा कि उसे कौन सी चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना है, मतलब वो किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज करे, राइट? अगर मैं भी मेरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. जैसे कि मैं चाहूँ तो मैं मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करूँ, या मैं कंपनी स्टार्ट करूँ, या पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करूँ. सो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आप कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हैं, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अगर मैं अलग अलग बेसिस पे बात करूँ कि कितने टाइप की फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ऑनरशिप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन बी ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. देखो, ऑनरशिप के बेस पे हम तीन तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को क्लासिफाई करते हैं. एक होता है प्राइवेट एंटरप्राइज. प्राइवेट एंटरप्राइज में आप बात करेंगे ओन्ड और मैनेज और कंट्रोल बाय प्राइवेट पर्सन, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको, जिनके ऑनर कौन होते हैं, जिनके ऑनर होते हैं प्राइवेट पर्सन, राइट? जिन्हें वो चलाते हैं प्राइवेट पर्सन चलाते हैं, राइट? और उनको मैनेज और उनको कंट्रोल करने का काम भी किनका होता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस का. ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल प्राइवेट पर्सन के पास होता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस. पब्लिक एंटरप्राइजेस उसे कहते हैं जिसको ओन, मैनेज और कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, यानी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसी पब्लिक एंटरप्राइज जिसको ओन, यानी जो जिसकी मालिक उनको मैनेज करने वाली है, कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट होती है, उसे हम लोग पब्लिक एंटरप्राइजेस कहते हैं. और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस ऐसी एंटरप्राइजेस होती हैं जिसको ओन, मैनेज और कंट्रोल जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के करते हैं, राइट? सो ब्रॉडली अगर आप देखो तो बिजनेस एंटरप्राइजेस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर, राइट? अब अगर प्राइवेट सेक्टर में हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में बेटा हमारे पास अगेन दो टाइप के हैं, नॉन कॉर्पोरेट और एक कॉर्पोरेट फॉर्म, ठीक है? नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में अगर हम देखें तो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म और एक कॉर्पोरेट फॉर्म का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट मतलब जिसको लीगली आपको रजिस्टर्ड करवाना होगा, ठीक है, उसे कॉर्पोरेट फॉर्म बोला जाएगा. और नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म मतलब आपको इसको रजिस्टर्ड करवाने की नीड नहीं है. तो रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो तीन कैटेगरीज है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, राइट? और कॉर्पोरेट फॉर्म में देखें तो कॉपरेटिव सोसाइटीज और जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो देखो, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? फिर इसके बाद है पब्लिक एंटरप्राइजेस. पब्लिक एंटरप्राइजेस में जिनको गवर्नमेंट ही ओन, मैनेज और कंट्रोल करती है, उसमें तीन टाइप्स की जो है वो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टेचुअरी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज, राइट? सो ये वाला जो पार्ट है, ये और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस वाला पार्ट जिसमें हम लोग जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों पार्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डील करेंगे, चैप्टर नंबर 3, राइट? सो इस चैप्टर में हमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ना है जो कि नॉन कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट फॉर्म में होती है. सो यहाँ लिखा है, इन केस ऑफ अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, द आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर, एंड इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म द आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज नॉट सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर. ये बात एक बहुत अच्छे से समझ लेना, मैंने इसको बोल्ड भी कर रखा है. क्यों कर रखा है समझ आ जाएगा. मैंने कहा जो भी कॉर्पोरेट फॉर्म है, कॉर्पोरेट मतलब ये दोनों, कॉपरेटिव सोसाइटीज और जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कॉर्पोरेट फॉर्म्स होती है बेटा, इन कॉर्पोरेट फॉर्म्स की, यानी इनको जो ऑन कर रहा है, इनके जो ऑनर्स हैं उनमें और इन कंपनीज में, यानी कॉपरेटिव सोसाइटीज में और जॉइंट स्टॉक कंपनीज में, यानी इनका बिजनेस और इनके ऑनर दो सेपरेट पर्सन ट्रीट होते हैं, राइट? और जबकि नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में जो ऑनर और बिजनेस है वो एक ही पर्सन ट्रीट होते हैं. आप कहोगे सर ये आप क्यों बता रहे हैं? बेटा एक कॉन्सेप्ट है हमारा, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस एंड ऑनर बोथ आर सेपरेट. अकाउंटिंग जब हम करेंगे ना, अकाउंटिंग चाहे वो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म हो चाहे कॉर्पोरेट फॉर्म हो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. मतलब ये अपने ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग ट्रीट होकर के अकाउंटिंग होती है. लेकिन जहां हम बात करें कोई ऐसे मुद्दे जो कि कानून से रिलेटेड है, यानी लॉ से रिलेटेड, कुछ मान लीजिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई पार्टी केस कर देती है, तो उस केस में केस जो होता है
कॉर्पोरेट फॉर्म में जो केस होता है वो कंपनी पे चलता है, कंपनी के ऑनर्स पे नहीं चलता है, कंपनी पे चलता है। इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है काल्पनिक पर्दा, ऑनर और बिजनेस के बीच में कॉर्पोरेट व्हील एग्जिस्ट करता है कॉर्पोरेट फॉर्म में। जब कॉर्पोरेट फॉर्म की हम बात करते हैं, वैधानिक रूप जिसे हम लोग कहते हैं ये अवैधानिक रूप है, राइट। सो इन नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में ऐसी कोई सेपरेट ऑनर और बिजनेस सेपरेट नहीं होते, इनको एक ही मान लिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई चीटिंग हुई है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, तो वहां पे जो बिजनेस का ऑनर है उसी के ऊपर केस किया जाएगा, राइट। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, राइट। लेकिन कॉपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कोई मान लीजिए कोई क्रिएटर है या कोई कस्टमर है वो केस करना चाहता है कंपनी पे, वो कंपनी पे केस काउंट होगा, वो केस जो है वो ऑनर पे काउंट नहीं होगा। सो आपको समझ आ गया कि कैसे सेपरेट होते हैं ऑनर्स और जो फॉर्म्स होती है वो आपस में कैसे सेपरेट होती है। तो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म जो है इनमें ऑनर और बिजनेस एक ही ट्रीट किया जाता है, और कॉर्पोरेट फॉर्म में ऑनर और बिजनेस दोनों को सेपरेट सेपरेट ट्रीट किया जाता है, सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाता है। और अच्छे से भी यह समझ आएगा जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे एक एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। सो इन टूडेज एपिसोड वी आर स्टार्टिंग सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। सोल प्रोप्राइटर, सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर, राइट। सो सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला ऑनर, कोई ऐसा बिजनेस जिसको चलाने वाला एक अकेला ऑनर है उसे सोल प्रोप्राइटर कहा जाएगा। सो सोल ट्रेडर, यहाँ लिखा है सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ये जे एल हेंसन ने डेफिनेशन लिखी है। क्या कहते हैं जे एल हेंसन कि सोल ट्रेडर एक ऐसे टाइप का बिजनेस है जिसमें एक पर्सन अकेला, सोली मतलब अकेला, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कैपिटल लगाने के लिए। उस बिजनेस में कैपिटल वो अकेला व्यक्ति लगाएगा, अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो उस रिस्क को, उस लॉस को वो अकेला बंदा बियर करेगा, एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस को अकेला बंदा ही मैनेज करेगा, राइट। सो इसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए यहाँ लिखा है द वर्ड सोल इम्प्लाइज ओनली एंड प्रमोटर रेफर टू द ओनर। देखो सोल मतलब होता है ओनली और प्रोप्राइटर मतलब होता है ऑनर, है ना, यानी ओनली ओनर। हेंस अ सोल प्रोप्राइटर, हेंस अ सोल प्रोप्राइटर इज वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ अ बिजनेस। इसीलिए सोल प्रोप्राइटर हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही व्यक्ति जो है वो बिजनेस का ऑनर होता है। आपके आसपास में आपने जो किराना शॉप देखी है, दूध की दुकान देखी है ना, आसपास में जो भी लोग अकेले बंदे जो बिजनेस चला रहे हैं ना, आप बाहर जाते हैं मार्केट में, वो बाहर खड़े रहते हैं, ठेले वाले खड़े रहते हैं ना, वो सब सोल ओनर होते हैं अपने बिजनेस के। सो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हैं, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए ना बिजनेस के फॉर्म में। पढ़ेंगे अभी और डिटेल में इसके फीचर्स पढ़ेंगे जब समझ आएगा आपको। नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप मींस अ बिजनेस ओन्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक ऐसा बिजनेस जैसे जिसका मालिक एक अकेला व्यक्ति होता है, जिसमें पैसा एक अकेला व्यक्ति लगाता है, जिसको कंट्रोल एक अकेला व्यक्ति करता है। हु इज रिसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल द रिस्क। वही अकेला व्यक्ति उस प्रॉफिट को रिसीव करने वाला होता है, और वही अकेला व्यक्ति उस प्रॉफिट को या उस रिस्क को बियर करने वाला होता है। वही प्रॉफिट लेगा और वही रिस्क बियर करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। सो ये कौन से लोगों के लिए सूटेबल होता है? इट इज सूटेबल इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज सर्विसेज लाइक ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून्स एंड स्मॉल स्केल एक्टिविटीज लाइक रिटेल शॉप्स। यानी देखो सोल प्रोप्राइटरशिप कहाँ करना उचित है। अगर कोई ब्यूटी पार्लर रन कर रहा है तो वहाँ एक अकेला व्यक्ति कर सकता है ना, आपके साथ हेल्पर रख सकते हैं। हेयर कटिंग के सैलून्स होते हैं, छोटी छोटी स्केल की जो सर्विसेज होती है जैसे रिटेल वाली जो शॉप्स होते हैं, वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हैं, राइट। अब देखिए फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या फीचर्स हैं? देखो सबसे पहले लिखा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसको बनाना और इसको बंद करना बहुत आसान होता है, मतलब बनाना इन द सेंस इस बिजनेस को स्टार्ट करना और इस बिजनेस को एंड करना बहुत इजी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप को यहाँ पे लिखा है हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। अगर कोई अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है ना, तो हार्डली कुछ लीगल फॉर्मेलिटी लगती है और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कैसी लीगल फॉर्मेलिटी लगती है? अगर आप कोई शॉप रन कर रहे हो, कोई फूड बिजनेस कर रहे हो, तो आपको FCCI का जो है वो एक लाइसेंस लगेगा, GST नंबर चाहिए, शॉप एक लाइसेंस चाहिए। ऐसी कुछ लीगल फॉर्मेलिटी, 3-4 लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कोई फुटवेयर वगैरह की शॉप चला रहे हो, कोई रेडीमेड की शॉप चला रहे हो, सो वहां पे आपको सिर्फ एक शॉप एक लाइसेंस चाहिए, GST नंबर चाहिए, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज की नीड होती है इसमें, राइट।
देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप. कोई अलग से लॉ नहीं बना इनके लिए, राइट. इनको चलाने के लिए कोई कानून की व्यवस्था नहीं की गई है. क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन इजिली. अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप को बंद करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान होता है. सो आप ये कह सकते हो कि इस टाइप की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इजिली क्रिएट कर सकते हैं और इजिली आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं, राइट. क्लियर हो गया. आ जाइए जी, नेक्स्ट पे आ जाइए. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी. बेटा लाइबिलिटी कैसी होती है इसमें? लाइबिलिटी मतलब ऑनर की लिए बात हो रही है, ठीक है. तो लाइबिलिटी यहाँ पर यहाँ लिखा है, देखना. सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. यहाँ एक वर्ड लिखा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? यानी अगर बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो इस पर्सन को अपना घर बार बेच करके भी उस लॉस को चुकाना पड़ेगा, राइट. इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अगर बिजनेस में किसी प्रकार का कोई लॉस हो जाता है तो आपको पूरा को पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा, आपको कोई भी रिबेट नहीं दी जाएगी. क्या लिखा है? दिस इंप्लाइज दैट द ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स इन केस द असेट ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशियंट टू मीट ऑल द डेट्स. सबसे पहले मैं आपको पूरी लाइन का मीनिंग बता देता हूँ. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है जो ऑनर है, जो बिजनेस का ऑनर है, अगर उस बिजनेस पे बहुत सारे डेट्स चढ़ गए हैं. डेट्स मतलब मान लीजिए आप उधारी, लोन. क्या बोलेंगे आप इसे? लोन बोल दीजिए, लाइबिलिटी बोल दीजिए, ठीक है. मैं यहाँ पे लाइबिलिटीज लिख देता हूँ. इनकेस द असेट ऑफ द बिजनेस, इनकेस द असेट ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशियंट टू मीट ऑल द डेट्स. मान लीजिए आपके बिजनेस में आपके पास जितनी भी असेट्स हैं, आप उन सबको बेच करके भी अपनी लाइबिलिटी नहीं चुका पा रहे हो, तो ऑनर को पर्सनली मतलब अपना पर्सनल अगर घर है, गाड़ी है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, वो सब बेच करके अपनी पर्सनल सेविंग से भी पैसा चुकाना पड़ेगा. ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. सो यहाँ पर लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है. आप कहोगे सर लिमिटेड लाइबिलिटी भी किसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होती है क्या? हाँ बेटा होती है. अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे, वहां हम देखेंगे. पार्टनरशिप में भी एक LLP होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वहां पे भी आपको लिमिटेड लाइबिलिटी मिलेगी. मतलब एक लिमिट तक आपकी लाइबिलिटी, आपको घर से पैसा नहीं चुकाना है, राइट. सो वो भी एक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आती है. फिलहाल जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड है. ये समझ आ रहा है आपको? चले आगे. ठीक है जी, आगे चलते हैं. आइए, आगे लिखा है एज सच द ऑनर्स पर्सनल पोजीशन सच एज हिज और हर पर्सनल कार एंड अदर असेट कुड बी सोल्ड फॉर रिपेइंग द डेट. आगे बात मैंने यहाँ लिखा था कि भाई ऑनर का पर्सनल पोजीशन में, ऑनर की पर्सनल पोजीशन में जो भी चीजें, चाहे वो कार है ऑनर की या वो ऑनर की कोई और असेट है, ऑनर की बीवी के गहने हैं, कुछ भी है, वो सब उनको रिपे करने के लिए, डेट को रिपे करने के लिए क्या करने पड़ेंगे? बेचने पड़ेंगे, राइट. क्लियर हो गया लाइबिलिटी वाला पार्ट. हम पढ़ क्या रहे हैं? फीचर्स पढ़ रहे हैं. हम किसके फीचर्स पढ़ रहे हैं बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर आपको समझ आ रहेंगे. अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं. थर्ड पॉइंट इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट. सोल मतलब अकेला, रिस्क बियरर मतलब रिस्क को बियर करने वाला, एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट मतलब प्रॉफिट को रिसीव करने वाला. मतलब ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑनर ही अकेला रिस्क बियर करता है और ऑनर ही अकेला प्रॉफिट भी रिसीव करता है. आई बात समझ में? आगे बात देखिएगा. आगे द रिस्क ऑफ फेलियर, द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न अलोन ऑल अलोन बाय द प्रोप्राइटर, राइट. Alone by the sole proprietor. The risk of failure of business is borne all alone by the sole proprietor. अगर मान लीजिए आपका business जो है वो fail हो जाता है, so इसको कौन bear करेगा? Risk of failure of business ये कौन bear करेगा? अकेला owner. जो अकेला owner होगा केवल वही इसे bear करेगा. कोई भी नुकसान होता है, आपका business नहीं चला, 5-10 लाख रुपए लगाए थे, वो सारा का सारा आपका loss हो गया. आगे, if the business is successful, अगर business successful हो जाता है, तो proprietor enjoy all the benefits, यानी owner जो होता है, वो सारे benefits enjoy करता है, उसी को business का सारा profit मिलता है, और इसी वजह से वो direct reward मिलता है उससे for his risk bearing, यानी जो वो risk bear कर रहा है अपने business को चलाने की, उसके बदले में उसे जो भी benefits मिलेंगे, like profit मिलेगा, वो अकेला खुद ही उसको receive करेगा, किसी और के साथ distribute नहीं करेगा, राइट. सो बिजनेस अगर सक्सेसफुल होता है, सो सारे के सारे बेनिफिट्स, जैसे कि बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, वो सब के सब किसको मिलेंगे? ऑनर को मिलेंगे, प्रोप्राइटर को मिलेंगे, ठीक है. ये बात समझ आती है? रिसीव्स में यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, रिसीव को बोल्ड कर देते हैं, ठीक है.
और इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट इज द डायरेक्ट रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, राइट। ये एक एक कॉट भी है कि प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्ट रिवॉर्ड होता है रिस्क लेने के बदले। अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे, आपको पता है रिस्क का एलिमेंट होता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। सो बेटा डायरेक्ट रिवॉर्ड होता है रिस्क, अगर आप लोगे तो उसके बदले में जो प्रॉफिट मिल रहा है वो आपका प्रॉफिट डायरेक्ट रिवॉर्ड होता है किसी भी कंपनी में किसी भी बिजनेस को करने का, जो रिस्क आप ले रहे हैं उसके बदले में, राइट। फोर्थ फीचर इज कंट्रोल। कंट्रोल देखिएगा, द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल द डिसीजंस लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोपराइटर। देखो बिजनेस को चलाने का और बिजनेस पे जितने भी बिजनेस डिसीजंस है उनको लेने का सारा हक किसके पास होता है, वो सारा का सारा हक किसके पास होगा, सोल प्रोपराइटर के पास होगा। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स, यानी वो अपने बिजनेस के प्लान को कैरी कर सकता है, चला सकता है बिना किसी के इंटरफेरेंस के। तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन पढ़ के, ये वाला पॉइंट पढ़ कर, सर क्या कोई ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जहाँ पे कंट्रोल में इंटरफेरेंस होता है ऑनर के अलावा? यस, होती। बात करिए जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक से ज्यादा ऑनर होते हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सो गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है समटाइम्स। तो ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल जो होता है वो डाइल्यूटेड होता है। पढ़ेंगे अभी जब जॉइंट स्टॉक कंपनी पे हम आएंगे तब वो भी पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट इज नो सेपरेट एंटिटी। देखो जी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, नो सेपरेट एंटिटी, यहाँ पर जो एंटिटी वाला जो ये टर्म है, ऑनर और बिजनेस सेपरेट सेपरेट ट्रीट नहीं होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बिजनेस का ऑनर और बिजनेस दोनों एक ही ट्रीट होते हैं। बिजनेस का ऑनर और बिजनेस को सेपरेट ट्रीट नहीं किया जाता इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नजरों में ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन जब आप अकाउंटिंग करते हैं ना वहां पे इनके बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यानी जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हम कैपिटल बोलते हैं ना, और वो कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, पढ़ा है हमने अकाउंट्स में। सो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एंड बिजनेस के ऑनर दोनों सेपरेट सेपरेट होते हैं, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं कोई लीगल प्रोसीजर की या किसी और मुद्दे की, तो वहां पर कानून की नजरों में जो है वो सोल प्रोप्राइटर यानी ऑनर और उसका बिजनेस दोनों एक ही व्यक्ति ट्रीट होते हैं, राइट। समझ आता है इतना? सो मैं आपको यही चीजें समझाना चाह रहा हूं, देखिएगा आगे। नेक्स्ट इज यहां पर आप देखिए, इन द आई ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। समझो कानून की नजरों में जो अकेला ट्रेडर है, अकेला जो ऑनर है वो और उसके बिजनेस में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति ट्रीट होंगे, उन्हें अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। एज बिजनेस डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ऑनर, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो ऑनर की आइडेंटिटी होती है वो बिजनेस से सेपरेट नहीं होती, बिजनेस और ऑनर सेम ट्रीट होते हैं, राइट। आप चाहो तो आपके रेफरेंस के लिए मैं ब्रैकेट में यहाँ मेंशन कर देता हूँ, बट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आप चाहो तो मैं कर सकता हूं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट बिटवीन सोल प्रोप्राइटर एंड बिजनेस, ठीक है, ये बात समझ आ गई। सो सोल प्रोप्राइटर और या सोल ट्रेडर ले लीजिए इसे, क्योंकि इसमें ट्रेडर वर्ड ही यूज किया है हमने। सोल ट्रेडर और बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट होते हैं दोनों, क्लियर। So, अभी हमारा जो पॉइंट है वहां पे हमें नो सेपरेट एंटिटी लिखा है, तो सेपरेट एंटिटी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है? कानून की नजरों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, नो डिस्टिंक्शन इज मेड, राइट, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सोल ट्रेडर और बिजनेस दोनों एक ही ट्रीट होते हैं, क्लियर। दिस इज फिफ्थ पॉइंट। सो आपके मन में फिर आएगा कि क्या सर ऐसी कुछ लीगल एंटिटी, कुछ ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग सेपरेट ट्रीट हो? यस, होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जब हम पढ़ेंगे आगे, अभी हम लोग जब आएंगे फोर्थ और फिफ्थ नंबर की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जब पढ़ेंगे तब वहां पर डिस्कस करेंगे डिटेल। सिक्स्थ पॉइंट इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। देखो जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है वो उसमें कंटिन्यूटी की कमी रहती है। कंटिन्यूटी मतलब वॉट?
अगर मैं ये कहूँ कि एक अकेला व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, ठीक है, अब अगर मान लो वो बंदा बीमार भी होगा, कभी उसकी डेथ भी होगी, तो जब बंदा बीमार होगा तो उसका बिजनेस जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। कंटिन्यूस चलने वाला बिजनेस नहीं जो आजीवन काल तक चलता है। आप कहोगे सर ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हमेशा ही चलता रहेगा? बेटा होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कॉपरेटिव सोसाइटीज, यहाँ पे एक ऑनर नहीं होता, या बहुत सारे लोग ऑनर्स होते हैं, है ना? वहां पे अगर एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो बिजनेस चलाते हैं। तो वो जब हम डिस्कस करेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैसे बिजनेस चलाते हैं, है ना, क्या होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये सारे पॉइंट्स हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी हम सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। जितने भी मैं आपको फीचर्स पढ़ा रहा हूँ, अगर ये यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं हो रहे तो वो किसी न किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी न किसी और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लीकेबल होंगे, राइट? सो इसीलिए मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ। लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, देखिएगा इसमें क्या लिखा है, सिंस द ऑनर एंड बिजनेस आर वन एंड द सेम एंटिटी, क्योंकि बिजनेस और ऑनर दोनों एक ही व्यक्ति है, बिजनेस भी वही है, ऑनर भी वही है, दोनों एक ही व्यक्ति है। देयरफॉर डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल इलनेस, बैंकरप्टेंसी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस एंड मे इवन कॉज क्लोजर ऑफ द बिजनेस। समझो, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या वो इंसैनिटी मतलब पागल वागल हो जाए, या उसको जेल हो जाए, या वो फिजिकली बीमार हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, मतलब उसके पास पैसे नहीं रहे बिजनेस करने के लिए, तो भी बिजनेस बंद करना पड़ेगा। सो इन सब जगहों से, इन सब चीजों से जो है वो इसका जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस एंड मे इवन क्लोज कॉज क्लोजर ऑफ द बिजनेस, और इस वजह से कई बार इनका बिजनेस क्लोज भी हो जाता है, राइट? सो ये सब चीजें समझ आ रही है, ये सारे के सारे फीचर्स है इसके सोल प्रोप्राइटर के। एक बार मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ आपको, सोल प्रोप्राइटर क्या है। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला व्यक्ति जो बिजनेस चला रहा है उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहेंगे, जिसमें अकेला व्यक्ति ये बिजनेस चलाता है, उसकी सारी रिस्क को बियर करता है, राइट? एग्जांपल इसके हमने पढ़े थे ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून्स, आसपास की जो रिटेल की शॉप्स होती है वो सभी इसी में आती है। इसके फीचर्स की हमने जब बात की तो हमें देखा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना और इसे क्लोज करना दोनों ही इजी होता है, क्योंकि बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज की नीड होती है जब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको शॉप एक्ट लाइसेंस चाहिए होता है, जीएसटी नंबर चाहिए होता है, जीएसटी नंबर भी 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर वगैरह होता है तब चाहिए होता है, वो क्राइटेरिया बार बार चेंज होता रहता है जीएसटी का, सो वो आप चेक कर लीजिएगा। लाइबिलिटी, यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मींस अगर बिजनेस में कोई रिस्क होती है, बिजनेस में कोई बड़े लॉस हो जाते हैं, बहुत बड़ी लाइबिलिटी आ जाती है बिजनेस के ऊपर, और मान लीजिए बिजनेस के सारे असेट्स बेच करके भी वो लाइबिलिटी पे नहीं होती, तो ऑनर को अपने घर से पैसा चुकाना पड़ता है, ठीक है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा पे करना होता है, ये लाइबिलिटी में हमने पढ़ा। सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, अकेला ही रिस्क बियर करता है और अकेला ही प्रॉफिट को रिसीव भी करता है, ये बात समझ आ रही है। कंट्रोल, कंट्रोल मतलब यहाँ पर जो कंट्रोल होता है बिजनेस को चलाने का, कंट्रोल बिजनेस में डिसीजंस लेने का कंट्रोल वो किसके पास होता है? ऑनर के पास होता है, कोई बीच और कोई बंदा इंटरफेयर नहीं करता। नो सेपरेट एंटिटी, बिजनेस और ऑनर दोनों को एक ही ट्रीट किया जाता है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कानून की नजरों में, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ऑनर अगर जो बिजनेस का ऑनर है उसकी डेथ हो जाए, वो पागल हो जाए, उसको जेल वेल हो जाए, वो फिजिकली इलनेस हो जाए, वो बैंकरप्ट हो जाए, बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया होना, जब आपके बिजनेस में लाइबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है, असेट्स बिल्कुल कम हो जाते हैं आपके बिजनेस से, सब कुछ उस केस को आप अपनी लाइबिलिटी पूरी रीपे नहीं करवा रहे अपना सब कुछ बेचने के बाद भी, उसे हम लोग बैंकरप्ट केसिंग बोलते हैं। सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो भी आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है, राइट? सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, राइट? नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ रहे हैं मेरिट्स और बेनिफिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। देखो फीचर से ही मेरिट और बेनिफिट्स बनेंगे, और इसके डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे हम लोग, वो भी फीचर से ही निकल करके आएंगे, ठीक है। तो आइए देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, मेरिट, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। जो मैंने फर्स्ट आपके सामने लिखा था इसका फीचर फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसी को हमने चेंज करके लिख दिया इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, तो ये इसका मेरिट बन गया। जब आप फीचर से मेरिट बनाते हैं जो अच्छी चीजें वो मेरिट, जो लगता है खराब चीजें वो डीमेरिट में चले जाएंगे। सो यहाँ पे हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो उसमें बहुत कम रेगुलेटेड फॉर्म्स होते हैं, मतलब बहुत कम रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको चलाने के लिए आपको कम लीगल फॉर्मेलिटीज की नीड होती है। इसको चलाना और इसे बंद करना बहुत आसान है, जब ऑनर की इच्छा हो तब चला दे, जब ऑनर की इच्छा हो तब उसे बंद कर दे। सो दिस टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, राइट?
सेकंड इज क्विक डिसीजन मेकिंग. देखो यहाँ पे हमने जो पॉइंट पढ़ा था कंट्रोल वाला पॉइंट, कंट्रोल को हमने यहाँ लिख दिया क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो क्विक लिए जाएंगे, क्योंकि सोल ट्रेडर को किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत है. जो वो डिसीजन ले रहा है अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है, उसकी जो मर्जी होगी वो कर सकता है, उसको किसी को आगे जाकर के रिपोर्ट नहीं करना. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं वो क्विक होते हैं. आप कहते हैं कि सर ऐसी कोई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे आपको कंसल्ट करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है? यस, there are some type of forms of organization in which quick decision is not possible, because in that scenario logo ko wahan pe consult karna hota hai, inform karna hota hai. Companies ke case mein generally aisa hota hai, thoda sa delay hota hai decision making mein, right? Third one is dekhiye main iske sath aapko highlight bhi karte hue chalta hu. Okay, थर्ड वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, यानी जब आप किसी चीज को इन्फॉर्मेशन को आप छुपा करके रख सकते हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है, छुपा कर रखना. सो सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एनेबल द प्रोप्राइटर टू कीप ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशन कॉन्फिडेंशियल एंड मेंटेन सीक्रेसी. देखो क्योंकि एक अकेला व्यक्ति डिसीजन लेने वाला है, उसे किसी और के साथ जो है वो कोई चीज शेयर नहीं करनी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ऑपरेटिंग अ फुटवियर शॉप, सो मुझे कहाँ से गुड्स लाना है, क्या प्राइस बेचना है, मुझे डिस्काउंट चलाना है, ये चलाना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. सो यहाँ पे अकेला डिसीजन लेने वाला मैं हूँ, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस रिलेटेड होगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, छुपी हुई रहेगी और सीक्रेसी मेंटेन रहेगी बिजनेस की. ठीक है, जितने ज्यादा लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता चलता है उतना फिर कंपटीशन बढ़ जाता है, या लोग आपकी शॉप पे आना पसंद नहीं करते. सो कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी मेंटेन रहती है इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. अ सोल ट्रेडर इज ऑल्सो नॉट बाउंड बाय द लॉ टू पब्लिश फॉर्म्स अकाउंट. देखो कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जैसे सीक्रेसी, मतलब बेटा वही होता है, सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों एक ही है. हम सीक्रेट बना, सीक्रेट सुना है ना, सीक्रेट यार ये तो मेरा सीक्रेट है, वो सीक्रेसी मतलब कोई छुपी हुई बातें अपनी. तो अपने बिजनेस के कुछ ऐसे हिडन, जो हम बोलते हैं ना हमारे बिजनेस के हिडन फंडे जो होते हैं, वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते. मतलब मैं क्या रेट में लाता हूँ, क्या रेट में बेचता हूँ मेरा प्रोडक्ट, वो थोड़ी किसी के साथ हम लोग शेयर करेंगे. तो फिर सामने वाला बंदा हमारे पास आएगा नहीं, अरे यार ये तो 500 रुपीज कमाता है, प्रोडक्ट 600 कमाता है, राइट? सो ऐसे सीक्रेट्स. अ सोल ट्रेडर इज ऑल्सो नॉट बाउंड बाय द लॉ टू पब्लिश फर्म्स अकाउंट. एक अकेला व्यक्ति जो ट्रेडर है, एक अकेला व्यक्ति, उसको अपने जो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस है उसको पब्लिक में बताने की जरूरत नहीं होती. ऐसी कुछ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कंपनी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, इनको अपने बिजनेस के सारे डिटेल्स पब्लिक में पब्लिश करने होते हैं, यानी न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करने होते हैं, बताने होते हैं कि यार हमारा, हमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतनी लाइबिलिटी, वो सब बताना पड़ता है. वो भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी इन्फॉर्मेशन की मेंटेन रहती है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में. नेक्स्ट इज डायरेक्ट इंसेंटिव. डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब अभी हमने पढ़ा था, इसमें फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे हमने पढ़ा था, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट. तो इसके दो टुकड़े किए, प्रॉफिट रिसिपिएंट वाला, प्रॉफिट रिसिपिएंट वाला तो मेरिट हो जाएगा, और ये रिस्क बियरर वाला डीमेरिट हो जाएगा इसमें. ठीक है, सो ये इसको हमने नाम क्या दिया है, डायरेक्ट इंसेंटिव. डायरेक्ट इंसेंटिव के लिए अ सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रिसीव द बेनिफिट, बेनिफिट्स यानी अगर जो सोल प्रोप्राइटर अपना अकेला व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, तो उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट उसे हो रहा है वो उस अकेले व्यक्ति के होंगे. रीप्स मतलब होता है या फिर रिसीव होना. मेरिट्स ऑफ हिज और हर एफर्ट्स एज सोल रेसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट. देखो जो भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है वो अपने खुद के एफर्ट्स लगा रहा है, उसके एफर्ट्स के बदले में उसे डायरेक्ट उसी को प्रॉफिट मिल रहा है. द नीड टू शेयर प्रॉफिट डजंट अराइज. यहाँ पे उसको अपने प्रॉफिट को किसी और के साथ बांटना नहीं है, एज ही और शी इज द सिंगल ऑनर, क्योंकि वो अकेला ऑनर है. हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपके पास काम कर रहा है, सर्विस कर रहा है आपके पास, तो आप उसे सैलरी दोगे, आप उसका प्रॉफिट के प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कहा जाएगा उसे, वो सैलरी देना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? नेक्स्ट वन इज दिस प्रोवाइड्स मैक्सिमम इंसेंटिव टू द सोल ट्रेडर टू वर्क हार्ड. देखो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, जितना काम करोगे उतना प्रॉफिट आपका मिलेगा. तो ये जो है सोल ट्रेडर को हार्डवर्क करने पे मजबूर करता है कि आप जितना हार्डवर्क करोगे उससे आपको ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, राइट? सो ये आपको अभी कह दीजिए मोटिवेट करता है. सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑनर्स को मोटिवेट करती है कि वो जितना ज्यादा एफर्ट अपने बिजनेस में लगाएंगे उतना अच्छा उनको बेनिफिट मिलेगा, राइट? So this is fifth merit and fourth merit, and fifth merit is personal touch. जो मैंने फीचर्स में डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे पर्सनल टच का मतलब आप चाहो तो ये फीचर्स में भी ले सकते हो कि सोल ट्रेडर जो होता है वो पर्सनली कॉन्टैक्ट रखता है अपने सारे कस्टमर्स के साथ और एम्प्लॉयज के साथ.
तो टच में रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रिटेल शॉप पे जा रहे हो और वहां पे जाकर के आप कुछ शू बाय कर रहे हो या कुछ लाइक ड्रेस ले रहे हो अपने लिए, तो आप उस पर्सन को जानते हो क्योंकि वो बंदा वहां पे बैठ करके बिजनेस कर रहा है, वो अकेला बंदा, उसकी खुद की शॉप है। तो आप चार बार पांच बार जाओगे तो आप फैमिली हो जाओगे उससे। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट जो है वो मेंटेन होते हैं जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हैं, राइट। सो ये फाइव फीचर्स थे, इसके फाइव मेरिट्स थे। नाउ वी आर डिस्कसिंग डीमेरिट। डीमेरिट मतलब क्या क्या नुकसान है या क्या लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप की, क्या कमियां हैं, आप ये कह सकते हैं कि व्हाट आर द डीमेरिट्स, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं अपन इसको। फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है यहाँ पर सोल प्रोवाइडर के पास जो होते हैं अपनी पर्सनल सेविंग्स और वो पैसा उधार लेकर के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो एक व्यक्ति के पास कितना पैसा सेव हो सकता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, वो इतना ही बिजनेस कर सकता है, एक लिमिटेड लेवल पे अपना बिजनेस जो है वो कर सकता है। बैंक्स एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में हेजिटेट टू एक्सटेंड अ लॉन्ग टर्म लोन टू अ सोल प्रोप्राइटर। एक बात याद रखना, जो बैंक होती है, अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो बैंक आपको बहुत बड़े टाइम के लिए लोन नहीं देगी, वो पसंद ही नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि क्या पता आपको कुछ हो जाए और आपका जो लोन है वो कौन पे करेगा। हाँ, आजकल जरूर हो गया है कि आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कोई अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और वो लोन ले रहा है, तो बैंक्स वगैरह क्या करती है, उनका इंश्योरेंस करवा देते हैं। अगर उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है तो बैंक को इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या करती है, पेमेंट करती है लोन का, राइट। सो लैक ऑफ रिसोर्स इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई द साइज ऑफ द बिजनेस रेयरली ग्रो मच एंड जनरली रिमेन स्मॉल। यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी, रिसोर्सेज मतलब लोग भी काम करने वाले कम है, पैसा भी कम है आपके पास। सो ये एक मेजर रीजन है जिस वजह से आपकी जो बिजनेस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे लेवल पे आप काम करते हैं और हमेशा छोटे ही बिजनेस को, छोटे ही लेवल पे आपका बिजनेस ऑपरेट करता है। ऑलमोस्ट आप एक जगह पे स्टार्ट कर दोगे, दो जगह पे स्टार्ट कर दोगे सेम सिटी में, आप पूरी कंट्री में अपना बिजनेस नहीं चला पाते, राइट। सेकेंड पॉइंट, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। देखो, आपकी जो लाइफ होगी बिजनेस की वो बहुत लिमिटेड होगी। इन द आई ऑफ द लॉ द प्रोप्राइटरशिप एंड द ऑनर आर कंसिडर वन एंड द सेम। देखो, कानून की नजरों में प्रोप्राइटर और ऑनर दोनों एक ही व्यक्ति है, इसीलिए अगर प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो बीमार हो जाता है प्रोपराइटर, सो इससे आपके बिजनेस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है और आपका अपना बिजनेस जो है वो क्लोज करना पड़ सकता है, राइट। थर्ड पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ऑनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे ऑनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। देखो, ये लिमिटेड लाइफ और अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैंने फीचर से ही लिया है। आप देखें यहाँ पे, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला एक हो जाएगा आपका पॉइंट, और यहाँ पर लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी वाला ये दूसरा आपका हो जाएगा, राइट। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको? देखिएगा, मैंने यहाँ बोला आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी में अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट द ओनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अगर बिजनेस फेल हो जाते हैं सो क्रेडिटर्स जो है वो अपना पैसा ना केवल बिजनेस से बल्कि वो किससे रिकवर कर सकते हैं, पर्सनल असेट, प्रोप्राइटर के पर्सनल असेट से भी आप वो पैसा रिकवर कर सकते हैं, राइट। ये समझ आ रहा है आपको? अ पुअर डिसीजंस और एन अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस कैन क्रिएट सीरियस फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ओनर। समझो, अगर आपने कोई पुअर डिसीजन लिया या कोई ऐसी अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आ गई, बाढ़ बाढ़ आ गई, भूकंप भूकंप आ गया, तो आपका बिजनेस पूरा तबाह हो जाएगा, इससे आपके ऊपर बहुत फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, राइट। आपके अगर आपको लॉस लगता है तो आपको घर से भी चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट लास्ट, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी मीन्स जो बिजनेस को मैनेज करने वाला अकेला व्यक्ति है तो उसके अंदर जो मैनेजमेंट करने की एबिलिटी होगी वो भी लिमिटेड होगी, वो उसी लिमिट तक ही अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएगा। सो द ऑनर हैज टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजरियल टास्क सच एज परचेसिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग एटसेट्रा। जो ऑनर होता है उसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही माल खरीद के लाएगा, वही बेचेगा, वही पैसे को अरेंज करेगा, वही पैसा चुकाएगा। सो इट इज rare to find an individual who excels in all these areas. इसीलिए ऐसा भाई एक ही बंदे में सारी क्वालिटी मिल जाए, खरीदार भी, वो खरीदे भी अच्छा गुड्स, बेचे भी, फिर पैसा भी अरेंज करे, तो ऐसी जो क्वालिटीज होती है वो बहुत रेयर मिलती है इंडिविजुअल्स में। Thus, decisions making may not be balanced in all such cases. इसीलिए यहाँ पर अगर आप बात करो सब purchasing में, selling में, financing में, इनकी decisions जो होते हैं ना वो balance नहीं होते, हर बार decisions perfect हो ये possible नहीं होगा, right? So
Also, due to the limited resource, sole proprietor may not be able to employ and retain talented and ambitious employees. और क्योंकि इनके पास limited resource होते हैं, capital बहुत कम होती है, तो sole proprietor जो है वो ज्यादा लोगों को अपने पास, talented लोगों को अपने पास रख नहीं सकते, right? So ये होती है इसकी limited managerial ability वाला point. ठीक है, ये clear हो गया. So इसी के साथ हमारा जो merit और demerit वाला section है वो complete होता है sole proprietor का, right? और इसी के साथ सोल प्रोप्राइटर वाला जो टॉपिक है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने फर्स्ट हाफ टॉपिक देखा वो था सोल प्रोप्राइटर. इसमें हमने इसके मीनिंग डिस्कस की, मेरिट्स डिस्कस किए, डीमेरिट्स डिस्कस किए, फीचर्स डिस्कस किए, राइट. सो अब कोई डाउट हो तो वो पूछ लो. एनीबडी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग जो है हमारे आज की क्लास यही ऑफ करेंगे. ओके.